ब्रेक के बाद आपका स्वागत। यूं तो देश और समाज में गुनाह की कई तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन किसी भी लूट या फिर चोरी से ज्यादा बड़ा जुर्म होता है हैवानियत से भरे गुनाह का। और हैरानी तो उस वक्त होती है जब अपने ही अपनी बच्चियों के दुश्मन बन जाते हैं और उनके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। आज हम आपको यूपी और बिहार से मिली दो घटनाओं के बारे में बताएंगे, जहां अपनों ने ही अपनों का कर दिया रिश्तों का कर। यूपी का हमीरपुर इलाका और एक पुलिस थाने में फरियादी के साथ खाकी की पूछताछ। यहां एक महिला अपनी 13 साल की बच्ची के साथ मौजूद होती है। दरअसल ये महिला अपनी बच्ची के साथ हुई एक उस हैवानियत की शिकायत दर्ज कराने यहां पहुंचती है, जिसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पीड़ित बच्ची का मुंह बोला मामा ही था। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस घटना में एक शख्स अपनी 13 साल की भांजी को ही हवस का शिकार बनाता है और फरार हो जाता है। पीड़ित परिवार का कहना है कि रात को उनका एक रिश्तेदार युवक उनके घर पहुंचा था, लेकिन वो उसके नापाक मंसूबों को भांप नहीं पाए। आरोपी शख्स ने बच्ची की मां को नशीला पदार्थ सुंघाकर गहरी नींद दे दी और फिर इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। अब इस मामले के सामने आने के बाद परिवार इंसाफ के लिए पुलिस के पास पहुंचा है, जहां पुलिस का कहना है कि वो पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक 13 वर्ष की बालिका के द्वारा अपने रिश्ते के मामा के ऊपर रेप का आरोप लगाया गया है। उसके द्वारा बताया गया कि मैं अपनी माँ के साथ आंगन में सोई हुई थी और रिश्ते के मामा के द्वारा कुछ सुंघा दिया गया मेरी माँ को, जिससे वो अचेत हो गई थी और मामा ने उसी का फ़ायदा उठा करके मेरे साथ रेप किया। थाने में आकर के उसने तहरीर दिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। तो ये तस्वीर थी यूपी के हमीरपुर में हुए एक उस गुनाह की, जहां मामा ने भांजी के साथ वहशियाना गुनाह को अंजाम दिया। चलिए अब आपको एक पिता की उस वारदात के बारे में बताते हैं जो अपने ही बच्ची के लिए शैतान बन गया। दरअसल गुनाह की यह तस्वीर बिहार के नालंदा से मिली है और पुलिस हिरासत में ये वही शख्स है जिसने अपनी बच्ची को भी नहीं बख्शा। करीब 6 महीने से ये शख्स अपनी ही बच्ची के साथ रेप को अंजाम दे रहा था। बताया जाता है कि पहले आरोपी बिहार शरीफ में ही किराए के मकान में रहता था, लेकिन फिर वो अपनी 16 साल की बेटी और 8 साल के बेटे को लेकर आसनसोल चला गया, जबकि आरोपी की पत्नी बिहार शरीफ में ही रहने लगी। आखिर कुछ ही दिनों में आरोपी बच्चों को लेकर वापस बिहार शरीफ लौट आया और एक बार फिर जब इस आरोपी पिता ने अपनी बेटी से दुष्कर्म करने की कोशिश की तो उसी बीच उसके 8 साल के बेटे ने शोर मचा दिया। आखिर घटना की खबर मिलने के बाद इलाके के लोग मौके पर पहुंच गए और नशे में धुत आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। अब हालांकि पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस तरह से गुनाह की दो तस्वीरें सामने आई है उन्होंने रिश्तों को जरूर शर्मसार किया है। फर्स्ट इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।